तो हमारे यहाँ पर्सनैलिटी के नियम वो नहीं है कि पर्सनैलिटी का आधार सेक्स है, हम ये नहीं मानते। पर्सनैलिटी का आधार आत्मा है, उस आत्मा को विकास करना है। वो आत्मा संस्कारों को ग्रहण करने वाली है। पाश्चात्य साइकोलॉजी में कोई संस्कारों को ग्रहण करने वाली चीज़ नहीं है। बच्चे का आधार 5 कोश हैं, सेक्स के आधार पर पर्सनैलिटी बनी नहीं सकती। 5 कोश हैं हमारे यहाँ, वो आधार हैं पर्सनैलिटी बनाने के। उन कोश की ट्रेनिंग करोगे, बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी, उसमें अध्यात्म होगा। हम सब समाज निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं। 1966 में सबसे पहली कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, लेकिन उसका पहला वाक्य था कि टीचर समाज का निर्माता है, नेशन का निर्माता है। टीचर इज द बिल्डर ऑफ नेशन, ये पहला वाक्य था। यानी समाज कैसा बनेगा और कैसा नहीं बनेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी टीचर्स के ऊपर डाल दी थी उन्होंने। इस वाक्य को पढ़ के टीचर तो खुश हो गए थे, लेकिन मैंने कहा ये खुशी का मौका नहीं है, जिम्मेदारी का मौका है। इसी तरह से अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उन्होंने भी इस तरह का एक वाक्य लिख करके अपना शुरू किया है, नो नेशन कैन राइज अबव द हाइट ऑफ इट्स टीचर्स। जितने टीचर ऊंचे होंगे, अगर इंटेलेक्चुअल फील्ड में, बुद्धि के फील्ड में हमारे टीचर बौने हैं, तो हमारे देश में आइंस्टीन या न्यूटन पैदा नहीं हो सकते। अगर मॉरल क्षेत्र में हमारा टीचर जो है उसका मॉरल गिरा हुआ है, तो हम इस देश के अंदर बड़े बड़े ऋषि और मुनि नहीं पैदा कर सकते। कोई भी नेशन अपने टीचर की हाइट से ऊपर उठ ही नहीं सकती, ये गारंटी की है हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने जो रिपोर्ट बनाई है। तो इसलिए हमें सोचना है कि हम नेशन के बिल्डर हैं तो कैसे करें काम। तो शिक्षा के बारे में हमें पूरा ज्ञान, हम क्या करने जा रहे हैं। शिक्षा के 4 आयाम हैं। पहला आयाम तो यह है कि हम क्यों पढ़ाएं। बेपढ़ा लिखा आदमी जो है गांव में, हमारे दादा परदादा वो भी बड़े बुद्धिमान थे, गांव की समस्याओं को सुलझा देते थे, खेती में खूब नाज पैदा करते थे, फिर क्यों पढ़ाएं हम लोगों को। तो ये काम हमारा नहीं है, टीचर्स का नहीं है, ये काम सोशल इंजीनियर्स यानी समाज शास्त्रियों का काम है। शिक्षा ही मनुष्य को मानव बनाएगी। फिर दूसरा आता है कि हम क्या पढ़ाएं। तो हम ये जानते हैं सारे शिक्षा के बच्चे लोग कि जीवन के आदर्श और शिक्षा के आदर्श बिल्कुल एक होते हैं, और अगर नहीं होते तो होने चाहिए। हमारे जीवन के जो आदर्श हमारा दर्शन रखेगा हमारे सामने, हमारे देश की फिलॉसफी हमारे सामने रखेगी कि जीवन के ये आदर्श हैं, उसी आदर्शों के हिसाब से हमारी शिक्षा उसको रियलाइज कराएगी। अगर आदर्शों में भेद हो जाता है कि शिक्षा ने बड़े ऊंचे ऊंचे आदर्श, उसने हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ ने बड़े ऊंचे ऊंचे आदर्श रख दिए, और उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन बने नहीं, शिक्षा नहीं बने, तो वो आदर्श जो हैं वो पूजनीय तो बन जाएंगे, लोग उनको पूजते रहेंगे किताबों के अंदर, लेकिन वो कभी भी रियलाइज नहीं हो सकते। इसलिए शिक्षा के आदर्श और जीवन के आदर्श हमेशा एक होने चाहिए और होते भी हैं। जो राष्ट्र ऊँचे तरक्की जिन्होंने करके की है, उन्होंने यही किया है कि ऊंचे आदर्श बनाए वहाँ के दार्शनिकों ने और उनको रियलाइज कराया वहाँ के टीचर्स ने। तो ये काम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का है, क्या पढ़ाएं। हमारा काम क्या है, हमारे 2 काम हैं, किसको पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। हमारा 4th क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा है, अगर उसको हम बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे और शेक्सपियर और मिल्टन पढ़ाने लगे तो उसकी समझ में भी नहीं आएगा। बर्ट्रैंड रसेल ने एजुकेशन पर बहुत कुछ लिखा है,
तो वहाँ लोगों ने कहा कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उसका सिलेबस तैयार करके दो। शुरू से बच्चा, तो उसने रिग्रेट करके क्षमा मांग के लिख दिया कि मैंने कभी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया, मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं। और जब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं कि कितनी समझ है बच्चे के अंदर, तो हम अपना पांडित्य तो थोप सकते हैं। इसलिए रसल ने लिख दिया कि गुड स्कॉलर्स नीड नॉट बी गुड टीचर्स। आपने चार विषय में पीएचडी की है, लेकिन आपको ये तो पता नहीं कि बच्चा पांचवी क्लास का आपके उसके पांडित्य को नहीं समझेगा, तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, क्योंकि टीचर में ट्रांसमिशन करना पड़ता है। अर्जन करने में तो आपने खूब ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन किस एज के बच्चे को किस तरह समझाना है, ये बच्चे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये शिक्षा का काम है। और इसके लिए जब हम शिक्षा में पढ़ते हैं, जिन्होंने एमएड किया होगा तो एमएड में क्लास एक किताब लगी हुई है एम्स ऑफ एजुकेशन, तो उसमें लिखा हुआ है कि पुअरेस्ट टीचर, सबसे घटिया टीचर वो है जिसका छात्र बाहर आकर के ये शिकायत करता है कि मैं वो समझ नहीं सका जो मेरे टीचर मुझे समझाना चाहते थे। तो टीचर का काम इन्फॉर्मेशन मशीन की तरह से इन्फॉर्मेशन देना नहीं है कि मशीन खोल दी, टीचर का काम है अंडरस्टैंडिंग कराना, बच्चे को समझ आ जाए चीज़। इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है किस एज का है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, कैसे समाज से आ रहा है वो बच्चा, और उस समाज के अंदर सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये हमारा काम है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लेवल से बच्चे को समझाएं। इसके लिए हर एक टीचर का साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। और तीसरी और चौथी चीज़ है कैसे पढ़ाएं, ये तो है ही साइकोलॉजी का काम। लर्निंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे होती है, बच्चों के अंदर कैसे मोटिव आते हैं, सारे ये सारा काम साइकोलॉजी का है। तो टीचर जो है जब टीचिंग प्रोफेशन में आता है तो उसे अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। दोनों चीज़ें जो हैं हमारे टीचर के ऊपर हैं, यानी हम किसको पढ़ा रहे हैं। अब एक है इतिहास पढ़ाया जाता है पाँचवीं क्लास में भी, और इतिहास पढ़ाया जाता है एमए में भी, वहाँ भी औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता है एमए में भी, लेकिन पाँचवीं क्लास के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होती है। तो एमए वाली चीज़ उसको पढ़ाने लगे तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा फिर वहाँ। तो टीचर को ये देखना पड़ेगा कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, और जब ये देख लेगा किसको पढ़ा रहा हूँ तो होगा कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। पढ़ाने का मतलब जैसे मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग कराना, क्या बच्चा वो चीज़ समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो इसके लिए साइकोलॉजी का जानना बहुत ज़रूरी है। टीचर, एजुकेशन और साइकोलॉजी दो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं हो सकते। एजुकेशन मीन्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मीन्स एजुकेशन। हर एक टीचर को, जिसने बीएड किया है उसको तो साइकोलॉजी, जिन्होंने नहीं किया है उनको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। अब साइकोलॉजी शुरू में क्या थी, साइकोलॉजी जब ग्रीक लोगों ने साइकोलॉजी निकाली तो उसका मतलब साइके जमा लॉजी, साइके का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का तत्व। तो साइकोलॉजी का मतलब यह था साइंस ऑफ सोल एज मैनिफेस्टेड इन ओवर्ट बिहेवियर, आत्मा का विज्ञान जैसा कि वो बाह्य जगत के अंदर हमारे बाह्य व्यवहार में अपने आप को प्रकट करती है आत्मा। तो बाद में जब लोगों ने देखा कि आत्मा को कैसे हम सिद्ध करें कि ये आत्मा कह रही है या नहीं कह रही, तो ग्रीक लोगों ने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, या तो इसको विज्ञान मत कहो या फिर आत्मा के द्वारा सिद्ध करो, वैज्ञानिक चीज़ें तो हैं। तो उन्होंने साइकोलॉजी का मतलब बदल दिया। अब साइकोलॉजी की नई डेफिनेशन जो हो गई, यानी जो लिस्ट 17वीं सदी में साइकोलॉजी एक विज्ञान बन करके खड़ी हुई, एक वुंड नाम के व्यक्ति थे, WONDT, डी साइलेंट रहता है, तो वुंड नाम के व्यक्ति थे जर्मनी के, उन्होंने साइकोलॉजी को एक विज्ञान बना करके खड़ा किया।
हर एक चीज़ वैज्ञानिक, और इसलिए उन्होंने साइके का शब्द जो है उसके मीनिंग बदल दिए। साइके मेरा आत्मा, तो आत्मा हमारा विषय नहीं हो सकता, तो उन्होंने कर दिया साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। बड़ी विशाल डेफिनेशन है। अब एक्टिविटीज़ को हम पहले तो पॉजिटिव साइंस है, साइकोलॉजी नॉर्मेटिव नहीं है, नॉर्म नहीं रखती हमारे लिए, ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए नहीं रखती। साइकोलॉजी कहती है ऐसी स्थिति में आदमी ऐसे करता है, ऐसी स्थिति में आदमी ऐसे करता है, तो ये पॉजिटिव साइंस है। और ये पॉजिटिव साइंस किस चीज़ की है? इंडिविजुअल की एक्टिविटी। अब आप और साइंस पढ़ो, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, तो वहाँ लगा होगा कि नॉर्मल इंडिविजुअल, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ हाउ ए नॉर्मल इंडिविजुअल अर्न्स मनी एंड हाउ टू, तो वहाँ नॉर्मल का शब्द लगा हुआ है। जो नॉर्मल नहीं है, यानी अभी बच्चे हैं या बड़े हैं या पागल हैं या जिनका दिमाग ठीक नहीं है, वो इकोनॉमिक्स नहीं कहला सकते। तो साइकोलॉजी जो है वो बड़ा वाइड एरिया है। यहाँ आदमी नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, सबकी स्टडी करेंगे हम। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, बच्चा हो उसकी भी स्टडी करेंगे, छोटा बच्चा है उसको भी हम अध्ययन करेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी बना देंगे। महिलाओं और पुरुष के अंदर, अब आजकल कॉन्स्टिट्यूशन में तो हो गया महिला पुरुष में अंतर मत करो, लेकिन महिला और पुरुष में जो फिजियोलॉजिकल ये बायोलॉजिकल अंतर है, उसके कारण कई चीज़ें साइकोलॉजिकल अंतर हो जाता है। तो वुमन साइकोलॉजी अलग हो गई हमारे यहाँ, वो फील्ड हमारा। तो इस तरह से अगर हम साइकोलॉजी के सारे फील्ड देखने लगे तो हम एबनॉर्मल भी, हम प्रॉब्लम चाइल्ड को भी डील करते हैं और नॉर्मल चाइल्ड को भी। एमएड में एक खास पेपर होता है प्रॉब्लम चाइल्ड का, और एडलर तो प्रॉब्लम चाइल्ड के स्कूल खोलते थे, उनके तो स्कूलों का नाम है करेक्टिव पेडागॉजी। जो प्रॉब्लम चाइल्ड बच्चा घर से लाड़ में बिगड़ करके या माँ बाप की उपेक्षा से बिगड़ करके आता है, उनको हम कैसे सुधारें? तो इन्होंने सारे स्कूल ऐसे खोले थे, सुधारात्मक शिक्षा। तो हमारे पास तो नॉर्मल भी हों चाहे एबनॉर्मल भी हों, साइकोलॉजी सबका अध्ययन करती है। शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समय शॉर्ट है आज हमारे पास, डिटेल में नहीं बता सकते। अब आया शब्द एक्टिविटी। अब एक्टिविटी आदमी की तीन तरह की होती हैं। एक को कहते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी, ज्ञानात्मक क्रिया है, और एक होता है कॉग्निटिव एक्टिविटी, क्रियात्मक क्रिया है, कर्मात्मक करते हैं, और एक होता है एफेक्टिव फीलिंग, अंदर की फीलिंग। तो तीन तरह की क्रियाएं होती हैं। साइकोलॉजी तीनों तरह की क्रिया का अध्ययन करती है। नॉलेज कैसे एक्वायर की जाती है, यानी लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग की क्या क्या विधियाँ हैं, लर्निंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, और लर्निंग को किस क्या क्या चीज़ें लर्निंग में जोड़ी जा सकती हैं जो बच्चे जल्दी लर्न कर लें, फिर इसको रिटेन करें, मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, मेमोरी के कौन से नियम हैं जिससे मेमोरी को रिटेन किया जा सकता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव में आ जाती हैं। और कॉग्निटिव, अब कौन से स्टिमुलस में हम कौन सी क्रिया करेंगे, ये कॉग्निटिव है। एक स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, उसकी हमारा क्या रिएक्शन होगा उसकी तरफ, तो कॉग्निटिव को भी साइकोलॉजी अध्ययन करती है। और अंदर की जो फीलिंग है हमारी, अब बहुत सारी जो डुअल पर्सनैलिटी हैं इनका आप अध्ययन करेंगे, तो आजकल डुअल पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा है, इसको कहलाती है स्पिरिट पर्सनैलिटी। कि मैं किसी के घर गया, राम कुमार जी ने मुझे बुलाया, और राम कुमार जी ने बहुत बढ़िया बिस्कुट मेरे सामने रखे, तो अंदर से तो मेरा दिल ये कर रहा है कि इतने बढ़िया बिस्कुट मुझे कभी खाने को नहीं मिले, मैं लपक करके एक दो बिस्कुट खा लूँ या दो चार बिस्कुट जेब में डाल लूँ, लेकिन ऊपर से मैं क्या करूँगा, नहीं जी नहीं, मैं तो घर से अभी नाश्ता करके आया हूँ बिस्कुट खाने। तो ये डुअल पर्सनैलिटी जो है कि फीलिंग हमारी और है, क्रिया हमारी और है, ये ऐसी डुअल पर्सनैलिटी को भी साइकोलॉजी अध्ययन करती है। तो फीलिंग का भी, तीनों चीज़ों का साइकोलॉजी, एक्टिविटी ऑफ मैन। अब अगला आ गया इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट।
तो एनवायरनमेंट भी हमारा दो तरह का है, एक है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, इस हॉल में जो बैठे हैं आपका फिजिकल एनवायरनमेंट सबका एक सा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, इतने दरवाजे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट सबका एक सा है। लेकिन दूसरा मेंटल एनवायरनमेंट आपका जो है बिल्कुल बदला हुआ है। एक बहन सोच रही होगी माताजी खाना बना रही है मेरी बूढ़ी माँ, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कहीं उनका हाथ वात ना जल रहा है मेरी बूढ़ी माँ का। दूसरे कोई हमारे बैठे होंगे, वो कह रहे होंगे कि आज बड़े चाव से पराठे बनाए मेरी पत्नी ने, और मैं यहाँ कैंप में बैठा हुआ हूँ, तो वो पराठे मुझे खाने। तो आपका मेंटल एनवायरनमेंट सबका अलग अलग है। साइकोलॉजी दोनों को अध्ययन करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट में आदमी कैसे बिहेव करता है और मेंटल एनवायरनमेंट में आदमी कैसे बिहेव करता है। तो साइकोलॉजी सारी, इतना ब्रॉड एरिया है साइकोलॉजी का। अब ये साइकोलॉजी जो है इसको साइंस बनाने का काम किया वेस्टर्न लोगों ने, और साइकोलॉजी इतनी विस्तृत हो गई कि जैसा अभी हमने बताया कि कोई क्षेत्र साइकोलॉजी से बता नहीं है। IAS में और मिलिट्री में जब आदमी कोई जाता है तो उसका पर्सनैलिटी टेस्टिंग होता है, ये अफसर बनने योग्य है भी या नहीं, और मिलिट्री में तो ख़ास तौर से होता है। बड़े बड़े आदमी मिलिट्री की परीक्षा में पास हो जाते हैं, लेकिन जब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है तो ये होता है कि ये आदमी फौज में जाने के योग्य नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और शिक्षा में तो हम करते हैं, ये चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये मेल एडोलिसेंट साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये एडल्ट साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम, इंडस्ट्री के अंदर लेबर का और जो मैनेजमेंट है उनका ठीक तरह से व्यवहार रहे, तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो साइकोलॉजी का फील्ड आज इतना विस्तृत हो गया है कि उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी ब्रांचेस खुल गई हैं। पाश्चात्य ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इतना सिखाने पर भी पाश्चात्य साइकोलॉजी आजकल बहुत कम है, भारतीय साइकोलॉजी तक नहीं पहुंची। उसका कारण क्या है कि ग्रीक लोगों ने जो आत्मा का इसको विज्ञान बताया था, इसको मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने 17वीं साइकोलॉजी में आत्मा निकाल दी इसमें से। जब आत्मा निकाल दी तो बहुत सारी क्रियाएं हमारी ऐसी हैं जिनको हम समझा नहीं सकते, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं समझा सकते। इसलिए जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस बढ़ा, इतना संकट आ गया कि आदमी की जीवन बिल्कुल बेचैन हो गया, शांति नहीं मिलती, और रिचर्ड लाकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका में नींद की गोलियां इतनी कंज्यूम होती हैं कि उसके बदले में हिंदुस्तान का एक साल का गेहूं खरीदा जा सकता है, तो फिर भारत की ओर आना पड़ा। यंग जो थे भारत की ओर आए, यहाँ बैठे, और उन्होंने यंग ने जा करके फिर एक चीज़ लिखी, बहुत बढ़िया किताब है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में किताब लिखी उन्होंने, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल। जो सोल थी, जो हमारे शरीर का शांति का कारण थी, इतनी सब सुविधाएं देने के बाद भी शांति खो गई हमारे पास, क्योंकि सोल निकाल दी। इसलिए हम जब देखते हैं कि भारतीय जो हमारी साइकोलॉजी है उसके मुकाबले में अभी तक वेस्टर्न साइकोलॉजी इतना विशाल क्षेत्र होते हुए भी नहीं पहुंच सके, तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि समय की सीमा है। जो हमारे लर्निंग के नियम हैं, उस लर्निंग के नियम में हमने देखा कि जब थॉर्नडाइक लर्निंग के नियम बनाते हैं तो बिल्ली को लेते हैं और बिल्ली पे वो एक्सपेरिमेंट करके ट्रायल एंड एरर के नियम बना देते हैं, गलती करो और सीखो। आदमी गलतियों से सीखता है, आदमी ज़िंदगी में ठोकर खा के सीखता है। तो अब वो ट्रायल एंड एरर के जो नियम हैं, बिल्ली ने कितनी बार ट्राई किया, पहली बार ट्राई किया तो उसने 20 जगह गलतियाँ की, फिर दोबारा ट्रायल कराया तो गलतियाँ इलिमिनेट हो गई, और धीरे धीरे जब इलिमिनेट होती गई तो अंत में बिल्ली ठीक जगह अपना जो निशान था सीधी वहीं पहुंच जाती थी और कुछ नहीं।
तो ट्रायल एंड एरर के नियम जो बनाए उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करके बनाए। अब रूस वाले जो थे उन्होंने कहा कि आदमी को कंडीशन किया जा सकता है, जैसा चाहे हम उसकी हैबिट वैसी बना सकते हैं। तो उन्होंने कंडीशनिंग का लॉ बनाया, हम आदमी के व्यवहार को कंडीशनड कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन उनका सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कुत्ते पर है, पेवलोव का एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर है। अब तीसरा काम क्या किया इन्होंने, जर्मन वालों ने कहा कि कुछ हायर एनिमल पे भी करो जिनमें सोचने की शक्ति होती, चिंपैंजियों का काम किया उन्होंने। इनसाइट के द्वारा आदमी सीखता है, अंदर से कोई ऐसी चीज़ आती है जो आदमी को, तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा कि समय थोड़ा है, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बंदरों पर, चिंपैंजी पर। उन्होंने क्या काम किया कि छत में केले लटका दिए, लेकिन इतने ऊंचे लटकाए कि हाथ ना जा सके वहाँ, और चिंपैंजी नीचे बैठे हुए हैं। अब वो चिंपैंजी कूद रहा है, एक चिंपैंजी दूसरे की कमर पर खड़ा हो रहा है, लेकिन केले तक नहीं पहुँच सका। अब वो थक गए चिंपैंजी, थक करके कोने में बैठ गए। इसको कहते हैं इनक्यूबेशन। आपने देखा होगा जो ऐसे बच्चे होते हैं जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनको इनक्यूबेटर में रख देते हैं डॉक्टर। इनक्यूबेटर वो होता है जगह जहाँ आदमी का, जहाँ अंडे में से बच्चे निकाले जाते हैं, इनक्यूबेटर इनक्यूबेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वहाँ वो जब जा करके थके हुए बैठ गए, और थक करके बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, तो इनक्यूबेशन की तरह से अंदर से ज्ञान आया कि जो बांस खड़े हुए हैं ये किस लिए हैं, ये जो कोने में बांस रखे हैं ये किस लिए हैं। तो बंदर गया, उसने एक बांस के अंदर दूसरा बांस घुसाया, और जैसे वो केला टूट के नीचे गिर गया। तो लर्निंग बाई अनसाइट उन लोगों में होती है जरा जिनका हायर एनिमल जो होते हैं। लेकिन वहाँ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट एनिमल पे किए। अब अमेरिका में और भी काम कर दिया, अमेरिका में जितने भी आज एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सब एल्बिनो रेट पर होते हैं, सफ़ेद चूहा। सफ़ेद चूहा जो होता है वो पालतू हो जाता है, उसे पाले कर लेते हैं, या जंगली चूहा पाल। तो सफ़ेद चूहों पर सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। मेज रनिंग, भूल भुलैया में चूहा कितनी बार रास्ता घूमता है और कितनी बार सही रास्ते पर आता है, तो सारे इस काम पर हो रहे हैं, आदमियों पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। तो इन्होंने मैस्रो ने एक्सपेरिमेंट किए अभी रिसेंटली मोटिवेशन पर। कई मोटिव होते हैं आदमी के जीवन में, उसमें बड़े जो स्ट्रॉन्ग मोटिव हैं वो हंगर मोटिव और सेक्स मोटिव, बहुत सारे वैसे मोटिव हैं। तो कम्बैट का मोटिव ये, हमारा दिल करता है कभी किसी से लड़ा झगड़ा करें ताकि मन की जो वो भावनाएं वो निकल जाए, तो कम्बैट का मोटिव भी होता है और भी होते हैं। तो सारे मोटिव को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि बिजली दो वोल्ट का बिजली का तार लगाया, उसके एक तरफ चूहे को बिठा दिया और एक तरफ उस मोटिव को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ रख दी। हंगर जो चूहा था तो चूहे को राइस का, यानी चूहे चावल जो होता है ये राइस ब्रान की खुशबू बहुत खींचती है चूहे को, तो उधर राइस ब्रान रख दिया। इधर एक चूहा रखा और उधर एक चूहे बिठा दी, फीमेल चूहे। इसी तरह कॉम्बैट में एक मोटा चूहा रखा और एक दूसरा मोटा चूहा उधर रख दिया, कॉम्बैट करेंगे, लड़ेंगे। अब जब वो मैस्रो ने अपना काम शुरू किया तो बिजली के तार उन्होंने चला दी, 2 वोल्ट की बिजली चल रही थी, बैटरी से चला दी। जो चूहा था हंगर सेक्स ये जैसे ही गए बिजली का झटका लगा, लौट के वापस आ गए। फिर इनको भूख लगी जोर की, फिर झटका लगा। कई बार झटका लगने के बाद जो सेक्स का मोटिव था जिस चूहे को इन्होंने इंजेक्शन दिया था सेक्स का, एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया था, तो सेक्स भड़क जाती है, वो थोड़ी देर में थक करके एक तरफ सो करके लेट गया। लेकिन जो हंगर वाला चूहा था उसने कहा भूखे मरना है और बिजली की तार से मरना है, कोई बात नहीं। तो 4-5 बार वो लौट करके आया, लेकिन उसके बाद उसने जंप करके वहाँ पहुँच गया दूसरी तरफ। फिर उन्होंने पकड़ करके चूहा यहाँ रख दिया, दोबारा फिर देखा तो फिर वहाँ पहुँच गया। तो मैस्लो ने निष्कर्ष निकाला कि हंगर स्ट्रॉन्ग मोटिव है सेक्स से भी ज़्यादा, भूख जो है वो बहुत बड़े। तो वहाँ डॉक्टर रॉय
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मैसलो के साथ ही काम किया है, उन्होंने आकर के जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे हिंदुस्तानी लड़कों को बताया कि हमने ये सेट कर दिया है कि हंगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोटिव है, सारे मोटिव उससे नीचे हैं, तो हिंदुस्तानी लड़के थे, उन्होंने कहा सर ये उसमें कोई चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, चूहे को तो अपने ऑब्जेक्ट का उसको तो सामने चूही रख दी तो दिखाई दे रहा है, बाकी चूहे के बारे में, चूही के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो डॉक्टर रह कर रॉय कहने लगे इतने बड़े आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जब वो चूही वहाँ रखी गई थी तो चूही बूढ़ी थी या कुरूप थी या लंगड़ी लूली थी या कोई सुंदरी और कुमारी चोरी रखी गई थी? कोई सुंदरी और कुमारी चोरी रखते वो तो हीर और राजा की तरह चाहे कूद के जान दे देता, तो एक्सपेरिमेंट ही गलत है, ये जो एक्सपेरिमेंट है गलत किया है, इसलिए आप मैसलो साहब को इंडिया बुलाइए और इंडिया में उनको बताएंगे हम। तो मैसलो को लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट ही अलीगढ़ के लड़कों ने गलत कर दिया, तो सारे उन्होंने कहा कि आपने चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके आदमी पर लागू कर दिया, सैंपल आपका दूसरा है, अप्लाई कहीं और कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के अंदर चूँकि आत्मा को हम मानते हैं तो इन दोनों मोटिव से भी ऊंचा एक और मोटिव है, वो जानवरों में नहीं होता, वो है ईगो मोटिव, सम्मान का भाव। अब आप कहते हो हंगर बड़ा मोटिव है, मैं एक आदमी को बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ तुझे रोज़ मैं मक्खन और पराठा खिलाऊँगा, लेकिन जितनी देर में तू पराठा खाएगा तुझे माँ बहन की गालियाँ दूंगा मैं, वो कह देगा नहीं मैं पराठा नहीं खाता, कितना ही हंगरी हो चला जाएगा। तो उन्होंने कहा ये आपके पाश्चात्य जगत में सोच ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि चूहों में बिल्ली में जिन पर आप कर रहे हो उनमें असम्मान होता ही नहीं। तो मैसलो को अपना नियम बदलना पड़ा, मैसलो ने अब मान लिया कि ईगो मोटिव सबसे स्ट्रांग होता, और ईगो मोटिव इंडियन साइकोलॉजी में है, पाश्चात्य साइकोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँची है। ये ईगो मोटिव जो है इसके लिए फिर साइकोलॉजिस्ट को आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में लिखना पड़ा कि ईगो मोटिव कैसे पैदा होगा, चूहों में तो हो नहीं सकता। जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ने लिख दिया टीचर इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। एक बच्चा मेरे सामने आया, मैंने उसकी कमर पर हाथ रख करके कहा अरे बेटा तू तो बहुत ऊंचा बनने वाला है, और जैसे ही उसकी कमर पर हाथ रखा टीचर ने, वो बच्चा वही बनेगा, मैं तू तो मिनिस्टर बनने वाला है। तो टीचर के मुख से कभी भी बात नेगेटिव निकलती नहीं, साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी कह रही है कि टीचर हमेशा मोटिवेटर है। एक बच्चा अगर दो बार फेल भी हुआ है तो टीचर कहेगा कोई बात नहीं बेटा, देखो फला राजा जो था वो तो 8 बार हारा था रोम का राजा, और उनने मकड़ी को देख करके 9वीं बार आक्रमण किया जीत गया, तो बेटा निराश होकर मत बैठो। तो टीचर ये भारत ने दिया, ये नियम इंडियन साइकोलॉजी का है, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मोटिव है ये वहीं होता है जहाँ आत्मा की बात हो, वेस्टर्न साइकोलॉजी में आत्मा नहीं है। तो हमने बहुत सारी चीज़ दे दी, फिर लर्निंग की बात हुई, तो इन्होंने लर्निंग भी चूहों पर बिल्लियों पर इन पर की। तो भारत के लोगों ने इनको बताया कि भारत के अंदर एक चीज़ होती है उसको कहते हैं संस्कार, वो संस्कार तुम्हारे लर्निंग में नहीं है। तो उन्होंने कहा दो चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे लर्निंग में नहीं हैं, और हमारे यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने कहा क्या, उनका सोशल इनहिबिटेशन, एक बच्चा जो है खड़ा हुआ दोस्तों में बैठा है और वहाँ दोस्तों से गंदा गंदा मजाक भी कर रहा है, पर थोड़ी देर में उसने देखा कि सामने से पिताजी आ रहे हैं तो एकदम कर चुप हो जाओ, क्या बात पिताजी आ रहे हैं। ये इनहिबिशन चूहों में बिल्लियों में नहीं होता, तो तुम लर्निंग के इतने लॉ सिखा रहे हो तो ये तो सिखाया नहीं तुमने, क्योंकि तुमने आदमियों पर एक्सपेरिमेंट नहीं किए। आत्मा हमारी ये कहती है
कि अगर पिताजी आ रहे हैं तो एकदम, और सोशल फेलिसिटेशन। एक बच्चा यहाँ ऐसा था, उसके घर का एनवायरनमेंट बड़ा टाइट, उसको फिक्सेशन हो गया था टमाटर पर। जब वो टमाटर देखता था मुंह में से झाग निकलने लगते थे, तो उसके फादर को बड़ी चिंता पड़ी। हमने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका टेस्टिंग करके बताया उनको, हमने कहा आपके घर का एनवायरनमेंट बड़ा टाइटन है, ये बच्चा रहा है हॉस्टल में, ज़रा इस बच्चे को खुला हुआ एनवायरनमेंट दो, इसकी बीमारी दूर हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं है इसको। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमने कहा हाँ, कोई पागल खाने में ले जाने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा हमारे घर भेज दिया करो, हमारा भतीजा बहुत हंसी मखौल करता है, तरह तरह के चुटकुले सुनाता है। तो उन्होंने 15 दिन वो लड़का जो आया उसमें जो हॉस्टल की लाइफ में थे उनने और भी ज़्यादा लतीफे चुटकुना। तो इसको कहते हैं फेलिसिटेट करो। जो बच्चे जो हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने में शर्माते हैं, अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, उनको टीचर फेलिसिटेट करता है, बेटा मंच पर चढ़ो, पहली बार चढ़ोगे तो तुम्हारे पैर कांप जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठ जाना, घबराना नहीं, बैठ जाना, नमस्कार कर बैठ जाना, लोग तालियां भी बजा दें, चिंता मत करना। अगली बार वो कहेंगे बेटा दोबारा मंच पे ये कविता सुनाने जाओ, वो कहेगा जी पिछनू के कोई बात नहीं, कमर पे हाथ रखेंगे। मोटिवेटर है टीचर और फैलिसिटेटर भी है। अभिव्यक्ति की भावना ये जानवरों में नहीं होती। तो आप एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो जानवरों पर, तो आदमी में कौन लाएगा ये भावना? बिल्ली को थोड़ी मोटिवेट करोगे आप, या चूहे को थोड़ी मोटिवेट करोगे? ये अभिव्यक्ति की भावना चूहे में थोड़ी लाओगे। तो आपको इंडिया की तरफ आना ही पड़ेगा, इंडिया वालों से सीखना पड़ेगा अपनी इतनी विशाल साइकोलॉजी को भी परफेक्ट करने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पर्सनैलिटी बिल्डिंग। जब इन्होंने पाश्चात्य जगत में साइकोलॉजी का काम शुरू किया तो पर्सनैलिटी बिहेवियर को नापना तो शुरू कर दिया, कई टेस्ट बना दिए उसमें पर्सनैलिटी मेजरमेंट करने, मिनीसोटा टेस्ट बड़ा तकड़ा बना दिया। लेकिन पर्सनैलिटी बिल्ड कैसे हो, पर्सनैलिटी बनाए कैसे, ये किसी को पता नहीं था। तो 20वीं सदी में हमारा एक आदमी आया, उसका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने पर्सनैलिटी बनाने के नियम दिए, आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करनी है, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है। तो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए उसने जो अपने नियम दिए, उन नियमों के पीछे जो साइकोलॉजी के सिद्धांत हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, सीधे इस बात पे आ रहे हैं कि उसने कहा कि जो आदमी की पर्सनैलिटी का आधार है, जिसके आधार पर आदमी का व्यक्तित्व बनता है, वो इड है। अब जर्मन भाषा में इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया डिबिडो। डिबिडो का अंग्रेजी में कोई पर्यायवाची नहीं मिलता, जैसे धर्म का कोई पर्यायवाची नहीं मिलता ऐसे। तो इन्होंने कहा कि नियरेस्ट इसके कोई खोजो, तो इन्होंने डिबिडो का अर्थ खोजा सेक्स। सेक्स ही आदमी का सारा पर्सनैलिटी का आधार है, इस सेक्स के आधार पर ही आदमी की पर्सनैलिटी डेवलप की जा सकती है। और न्यू नीड जो है, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, वो बंडल ऑफ सेक्स है। चर्च हिल गया, क्योंकि चर्च कहता था बच्चा जो है तो इनोसेंट है, बिल्कुल स्वर्ग से आया है। और फ्रायड ने कहा कि नहीं, बच्चा तो बंडल ऑफ सेक्सुअलिटी है, काम वासनाओं का बंडल है बच्चा। बड़े आदमी में सेक्स कंसेंट्रेटेड हो जाती है, कुछ डिफरेंट कुछ 5 या 4 या जो इरोटिक जोन्स हैं उनमें, यानी ऐसे ऑर्गन जिनको छूने से सेक्स भड़कती है, वो इरोटिक ऑर्गन है। तो बड़े आदमी में वो कंसेंट्रेट हो जाते हैं 4 या 5 जगहों में, लेकिन बच्चा जो है उसके शरीर को जहाँ से भी छुओ उसे सेक्स जैसा ही प्लेजर मिलता है, कहीं से भी छुओ। तो इसलिए बस जो है बच्चा तो करप्ट है बिल्कुल, उसको आपने आगे बनाना है। अब इन्होंने कहा कि बच्चा जो है उसको कौन आगे बढ़ाएगा, बच्चा खोज रहा है मुझे प्लेजर का ऑब्जेक्ट मिले, जिस ऑब्जेक्ट से मैं प्लेजर ले सकूं। तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट बच्चे की मदर है,
बच्चे का सेक्स ऑब्जेक्ट जो है वो नियरेस्ट वो मदर है। बच्चा मदर का दूध पी करके और बिल्कुल ऐसे ही एंजॉयमेंट करता है और उसके एक्शन भी ऐसे होते हैं जैसे सेक्स के एक्शन हों। तो बच्चा माँ को ही सेक्स ऑब्जेक्ट मान करके और अपना सेटिस्फेक्शन खोजता है। ये हमारी कहलाती है ओरल स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी का हमारा कंसंट्रेशन सेक्स का कंसंट्रेशन, हमारी काम वृत्ति का कंसंट्रेशन हमारा मुख होता है। अब पर्सनैलिटी डेवलप करने में बड़ी सावधानी की जरूरत है। जो माएँ बच्चे को अपने छाती से दूध नहीं पिलाती हैं, यानी ओरल सकिंग नहीं होता, वो बच्चे जीवन भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। छोटी छोटी बात पे बिल्कुल निराश होकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं या मर्डर कर देते हैं लोगों का। तो माँ चूँकि पहली सेक्स ऑब्जेक्ट है, अगर बच्चे की सेक्स सेटिस्फाइड नहीं हुई तो फिर वो जिंदगी के अंदर क्राइम कमिट करेगा फ्रस्ट्रेशन में। और अगर माँ ने उसको ज़्यादा दिनों तक दूध पिलाया तो बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी मदर डिपेंडेंट हो जाएगी, वो अच्छा अफसर नहीं बन सकेगा। अगर अफसर बन जाएगा तो डिसीजन नहीं ले सकेगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो बड़ी सावधानी की ज़रूरत है पर्सनैलिटी बिल्ड करने में, साइकोलॉजिस्ट बताएंगे। अब आप जब क्रिमिनोलॉजी की किताब पढ़ेंगे तो क्रिमिनोलॉजी क्या कहती है, क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, क्रिमिनल पैदा नहीं होता, कोई जन्म से अपराधी नहीं होता। ब्रोकन होम्स आर द डेन ऑफ क्रिमिनलिटी, जहाँ माँ और बाप में झगड़ा रहता है, माँ और बाप में तलाक हो गई है या माँ को समय नहीं मिलता, कहीं नौकरी कर रही है कि बच्चे को छाती से दूध पिला सके, तो ये ब्रोकन होम जो हैं यहाँ जितने भी पैदा होंगे सब क्रिमिनली पैदा होंगे। एडलर ने जाकर के सर्वे किया, जेल के अंदर गया, जिन्होंने सेक्स क्राइम किए थे, रेप किए थे जिन्होंने, जब वह सेक्स क्राइम करने के लिए गया तो 85% लोग ऐसे मिले उसको जो क्रिमिनल थे, जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया था, माँ ने छाती से दूध नहीं पिलाया था उनको। अब वो माँ ने चूँकि दूध नहीं पिलाया था, सबसे पवित्र चीज़ दुनिया में माँ होती है, तो बच्चा समाज से बदला लेता है, समाज के सबसे पवित्र नियम तोड़ता है वो बच्चे। और जितने सबसे पवित्र नियम हैं वो सेक्स के चारों तरफ बनाए गए, तो उन पवित्र नियमों को तोड़ता है कि माँ का प्यार मुझे नहीं मिला इसलिए मैं समाज की पवित्र चीज़ को तोड़ूंगा। तो इसलिए कनाडा में नियम बना दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी है, जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगी उस पर दंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर्सनैलिटी की पहली स्टेज है, ये कहलाती है ओरल स्टेज, इसको बैलेंसिंग करना है। बच्चे को माँ का दूध मिलना ही चाहिए, बच्चे की पर्सनैलिटी अगर बनानी है और उसे क्रिमिनल नहीं बनाना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं बनाना, तो ओरल सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए। ओरल सेटिस्फेक्शन हुए बिना बच्चा कभी भी फ्रस्ट्रेशन को नहीं टॉलरेट कर सकेगा। तो ये पहली स्टेज बताई फ्रायड ने, पर्सनैलिटी बनानी है बच्चे की, वहीं से बनाओ, जन्म से ही बनाओ। उसके बाद बच्चा ज़रा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर क्लीननेस की इच्छा हो जाती है। जब क्लीननेस करने के लिए मदर जाती है बच्चे को क्लीन करने के लिए, तो वो उसके गुदा को छूती है और गुदा को छूने से बच्चों को बड़ा आनंद मिलता है। अब सेक्स ट्रांसफ़र हो गए, मुँह की बजाय गुदा में चली गई सेक्स। जब बच्चा माँ को गुदा को छूती है बच्चे को बड़ा आनंद मिलता है, सेक्स का आनंद मिलता है। अब बच्चे को भी इसमें इस स्टेज में जो एनल स्टेज है इसमें भी बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे ने ज़्यादा बच्चे को ज़्यादा क्लीनिंग किया तो बच्चा क्या करता है, वो मल को रोक लेता है, वो चाहता है कि बार बार मेरी मदर आए और मेरी गुदा को छूए, मुझे बड़ा आनंद आए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं माँ उनको डांटती डोटती है तो एक बार मल त्याग देते हैं सारा का सारा। अब इसमें बैलेंसिंग करना है, जैसा मैंने कहा कि हम डिटेल में ज़्यादा नहीं बताएंगे,
तो बैलेंसिंग करना है। जो बच्चे को बहुत ज़्यादा बार बार क्लीनिंग करती हैं वो बच्चे बड़े होकर के मेटिबुलस बन जाते हैं, यानी कठोर नियम पालन करने वाले। एक आदमी के घर देखा तो अखबार जो रखे हुए थे रद्दी अखबार, उनका एक सिरा दूसरे सिरे से बिल्कुल मिला हुआ था। तो अगर आप कहें तो मैं बैठ करके बात कर लूँ आपसे, बैठ जाऊँ। और मेटिकुलस बच्चे तो ऐसे होते हैं कि एक कमरे में, उन्होंने कहा आज गवर्नर साहब आ रहे हैं, कमरे में दरी वरी बिठाओ, और जब वो आए वहाँ पर तो वहाँ एक तिनका पड़ा हुआ था, उन्होंने फौरन सफाई कर्मचारी को बुलाया, सस्पेंड कर दिया, ये तिनका यहाँ कैसे पड़ा रह गया। तो मेटिकुलस लोग जो हैं नियमों का कठोरता से बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। और इसके उल्टा अगर मदर ने डांट करके मेरे पास टाइम नहीं है, जितना मल त्याग करना है एक बार कर लेने मारूंगी थप्पड़, तो बच्चे लापरवाह बन जाते हैं, कपड़े क्रैश हैं या नहीं है, बाल कंघा हुआ है नहीं है, तो दोनों का बैलेंसिंग कैसे करोगे। बच्चे की हेल्दी पर्सनैलिटी बनाने वाला साइकोलॉजिस्ट बताएगा, ये टीचर साइकोलॉजिस्ट हैं, ये उनको माँ बाप को बताएंगे कि बच्चे की हेल्दी पर्सनैलिटी कैसी बने। अब तीसरा हमारा स्टेज आती है, वो बहुत ही खतरनाक स्टेज है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं पैनिक स्टेज। बच्चे की जो जनन इंद्रिय है, बच्चा उससे बार बार खेलता है, खुद ही उसको छूता है, खेलता रहता है। अब घर वाले क्या करते हैं, उसको कच्चा उच्चा पहनाना शुरू कर देते हैं। गाँव में तो देर में पहनाते हैं, शहर में बड़ी जल्दी 2 साल के 1 साल के बच्चे को कच्चा पहनाना शुरू, वो जनन इंद्रिय को छू नहीं सकता था। तो इस स्थिति में 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं जिनसे आपने बच्चे को बचाना है। पहली चीज़ है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो अपने जनन इंद्रिय को छूने लगता है तो उसके अंदर थोड़ा सेंस आ जाता है कि मैं का सेंस, क्योंकि उस समय उसकी उम्र जो है वो 5-6 साल से ऊपर का हो जाता है, तो उसको बीमारी हो जाती है कि उसको कहते हैं प्राइमरी नार्सिसस। जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको पता है, नार्सिसस एक बहुत सुंदर युवक था और ये कहते हैं कि जितनी सुंदरता भगवान ने दी है उसका 1/4 हिस्सा तो नार्सिसस को दिया था और 3/4 हिस्सा सारे ग्रीक यूनान को बांटा था। बहुत सुंदर था वो बच्चा, वो सुंदर बच्चा जो अपनी पाठशाला को जाता था, प्राइमरी लेवल की पाठशाला है छोटी, बच्चे को समझ कुछ है नहीं क्योंकि छोटा बच्चा है, तो वहाँ एक तालाब पड़ता था, वो बच्चा वहाँ तालाब पर बैठ जाता था तो अपने आप को अपनी परछाई को देखता था, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, तो वो वहीं बैठ जाता था। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि उसको उस परछाई से इतना प्यार हो गया कि उस परछाई को लपेटने के लिए कि मैं इसका आलिंगन कर लूँ, वो उस तालाब के अंदर कूद पड़ा, परछाई थी वो तो, आदमी तो था नहीं, और वहाँ डूब गया। वहाँ एक फूल पैदा हुआ बड़ा सुंदर, पूजा फूल, उसको नार्सिसस कहते हैं। तो ये सेल्फ अप्रेजल की जो इच्छा होती है, बच्चा जो है शुरू में अपने आप को देख कर, वैसे तो हर एक में होती है ये, कि वो इसका नाम रखा प्राइमरी नार्सिसस। कई लड़के ऐसा खड़े होते हैं, वो हो उसके सामने खड़े हो जाते हैं, कभी इधर को बाल काढ़ेंगे, कभी इधर को बाल काढ़ेंगे, कभी ये देखेंगे। ये नार्सिसस की बीमारी तो सब में होती है, हर एक में, लेडीज़ में तो बहुत ज़्यादा होती है, श्रृंगार करती हैं तो आधा आधा घंटे तक खड़ी रहती हैं श्रृंगार के सामने। तो ये नार्सिसस की स्थिति को चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कि वो नार्सिसस जो था वो अपनी ही मूर्ति पर मोहित हो गया था। अगर आपने प्राइमरी नार्सिसस को चेक नहीं किया उस समय, बच्चे को आपने थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया, तो बच्चा फिर अपने जैसे प्राणी जो हैं उनसे प्यार करने लगेगा, होमोसेक्सुअल बन जाएगा बच्चा। और अगर आपने उसको थोड़ा रोक दिया तो फिर बच्चा जो है सेक्स ऑब्जेक्ट कहीं और ढूंढेगा, फिर
हेट्रोसेक्सुअल अपनी कोई सहेली ढूंढेगा ना, तो नार्सिसिस्ट बड़ा खतरनाक मर्द है, ये कई बार बड़ी एज तक भी चलता रहता है, इसको उसी सी एज में छोड़ देना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक जो ये स्टेज है, ये स्टेज में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अब बच्चे को बड़े होकर अपने अंदर ईगो आ गई, उसके अंदर 7-8 साल का या 6-7 साल का हो गया बच्चा, बच्चा माँ के पास, माँ का, माँ उसका नेचुरल ऑब्जेक्ट है प्लेजर का, तो माँ के साथ बच्चा प्लेजर ले रहा होता है, खेल रहा होता है, दफ्तर से बाप आता है तो माँ एकदम बच्चे को पटक देती है, वहाँ जल्दी से भागती है, दरवाज़ा खोलो, बाप आए, उसके हाथ में से थैला लिया, और अगर पहले साइकिल पर चलते थे, मोटरसाइकिल कहीं खड़ी करके आए, और जल्दी से उनके शायद बच्चा नेगलेक्टेड हो गया। अब बच्चा जो नेगलेक्टेड हो गया है, इसके धीरे धीरे इसके मन में हो जाता है कि मेरा जो सेक्स ऑब्जेक्ट है, जिससे मैं सेक्स की अपनी सेटिस्फेक्शन करता था, उसको मुझसे छीनने वाला कौन है, तो ये फादर है जो मुझे डिप्राइव कर देता है, तो फादर राइवलरी हो जाती है, फादर को दुश्मन समझने लगता है। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स बड़ा खतरनाक है, बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा था, माँ उसको नेगलेक्ट करके चली गई और बाप की तरफ भागी, तो बच्चे ने कहा यही दुश्मन है मेरा। तो अगर ओडिपस कॉम्प्लेक्स को आपने ठीक नहीं किया तो बच्चा विद्रोही बन जाता है, कोई भी फादर इमेज हो वो उसका विद्रोह करने लगता है, टीचर्स का भी सम्मान नहीं करता, वो टीचर्स इनडिसिप्लिन हो जाता है उसके अंदर, और इनडिसिप्लिन हो जाएगा तो बाद में वो नास्तिक, भगवान को आप कहोगे भगवान हमारा पिता है तो कहता मैं पिता का, तो नास्तिक बन जाता है। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स कैसे सॉल्व हो, अगर माँ बच्चे को, अपने बाप को, हस्बैंड को नेगलेक्ट करती है तो पिटाई भी कर देगा उसकी, क्या तूने चाय बना के नहीं रखी, बच्चा तो पिटाई नहीं कर सकता बेचारा, बच्चा तो एक मन में भावना करेगा कि ये है मेरा दुश्मन। अब ओडिपस कॉम्प्लेक्स में आकर के पर्सनैलिटी फाइनल हो जाती है, लेटेंट जो पर्सनैलिटी का 11-12 साल के पास बच्चे की आता है कि जैसी उसकी पर्सनैलिटी का फिक्सेशन यानी टेंडेंसी जैसी बन गई, ओरल स्टेज में अगर वो माँ के दूध से फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो सारी ज़िंदगी फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा, ये लेटेंट स्टेज में ये कंडेंस होनी शुरू हो जाती है, जम जाती है, इसको कहते हैं फिक्सेशन। कौन सी स्टेज में फिक्सेशन हुआ है आपका, आप उसी तरह की पर्सनैलिटी सारी ज़िंदगी में, तो लेटेंट स्टेज में बच्चे के अंदर वो पक्की हो जाती है, और जब वो अडल्ट बनता है तो वही टेंडेंसी उसकी सारी ज़िंदगी में चलती रहती है। ये बैलेंसिंग का काम साइकोलॉजिस्ट का काम है, और ख़ास तौर से इसी स्टेज में जब प्राइमरी नार्सिसिस्ट में बच्चा सेल्फ प्रेज चाहता है, नार्सिसिस्ट बच्चा जो है वो मेरी प्रशंसा करें, तू बहुत बढ़िया है, आज तो तू जो शेप बना के आया है, शेप तो खैर उस समय होती नहीं, वो तो 5-6 साल के बच्चे होते हैं, कि आज जो तू ये कान के अंदर ये पहन करके आया है तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है आज, तेरी माने तो बच्चा चाहता है मेरी सेल्फ प्रेज हो, ये नार्सिसिज्म का लक्षण है। तो इन सारी स्टेज में आदमियों को बहुत ही सावधानी के साथ बैलेंसिंग पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है। तो फ्रायड ने खुद ये कहा है कि नॉर्मल पर्सनैलिटी मिलना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने कर दिया कि जब आप पर्सनैलिटी चेक करो आदमी की तो 25% डेविएशन को नॉर्मल मानो, 25% डेविएशन होगी, पूरी तरह से नॉर्मल आदमी नहीं मिलेगा। अब भारतीयों ने कहा कि फ्रायड की जो थ्योरी है ये हमारे ऊपर लागू नहीं होती, ये पर्सनैलिटी की थ्योरी हमारे ऊपर लागू नहीं होती भारत में, हमारे यहाँ पर्सनैलिटी का आधार सेक्स नहीं है, हमारे यहाँ पर्सनैलिटी का आधार आत्मा है, छोटे के बच्चे के अंदर आत्मा जागृत नहीं होती,
इसलिए माँ बाप को उसकी केयर करनी पड़ती है। और बड़े अच्छे के अंदर बच्चा तो हमारे यहाँ पहले कहा गया लाड लेते पंचवर्षानी, 5 साल तक तो बच्चे को लाड़ चाव से रखो, उसके बाद अगले साल में बच्चे को डिसिप्लिन सिखाओ, 10 साल तक का जब बच्चा हो तो ताड़ के ताड़ ना करो, डिसिप्लिन संस्कार सिखाओ उसको, और 16 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको मित्र के समान ट्रीट करो। गांव में इसको ये और तरह से कह देते हैं, साइकोलॉजिस्ट ने ये कह दिया, गांव वाले में कह देते हैं कि जब बाप की जूती बेटे की पैर में फिट आने लगे तो फिर बेटे को ताड़ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिएक्ट करेगा फिर वो, फिर बेटे को फ्रेंड मान करके घर के हर निर्णय में उसका हिस्सा लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर्सनैलिटी के नियम वो नहीं है कि पर्सनैलिटी का आधार सेक्स है, हम ही नहीं मानते, पर्सनैलिटी का आधार आत्मा है, उस आत्मा को विकास करना है, वो आत्मा संस्कारों को ग्रहण करने वाली है। पाश्चात्य साइकोलॉजी में कोई संस्कारों को ग्रहण करने वाली चीज़ नहीं है, तो हमने वो पाश्चात्य थ्योरी दे। दूसरे हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन की बात यूँ नहीं है कि आज भी भारत में गाँवों के अंदर 85% परिवार ऐसे हैं जो संयुक्त परिवार हैं। जब माँ किसी काम पर चली जाती है, खेत पे भी चली जाती है, या शहर में नौकरी कर रही है वहाँ भी चली जाती है, तो बच्चे को माँ नेग्लेक्टेड करके नहीं जाती। हमारे यहाँ बच्चा कभी नेग्लेक्टेड नहीं होता, वो दादी की गोद में डाल जाती है। और इसलिए हमारे यहाँ लोगों ने कहावतों में कहा कि जो बच्चा 1 घंटा दादी के दुपट्टे में लेट जाएगा उसको ज़िंदगी में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी, बड़ी से बड़ी फ्रस्ट्रेशन का मुकाबला कर लेगा वो, क्योंकि दादी का लाड़ जो मिलेगा वो माँ से भी ज़्यादा मिलेगा, तो बच्चे को कभी प्यार की भूख रहेगी नहीं। तो भारतीय बच्चों में आज भी फ्रस्ट्रेशन बहुत कम है, बड़े बड़े देशों में सुसाइडें हो रही हैं, क्रिमिनल हो रहे हैं, बच्चे स्कूल के अंदर पिस्तौल लेके जाते हैं और हम मार देते हैं, ज़रा सा गुस्सा या गोली मार दें। लेकिन भारत का योग पाश्चात्य प्रभाव होने के बाद भी आज इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है कि जॉइंट फैमिली में वो फ्राइड वाली बात नहीं आती हमारी, जो फैमिलियाँ वेस्टर्नाइज हो गई हैं, पाश्चात्य प्रभाव ज़्यादा आ गया है कि बूढ़ियों को बैंक वहाँ डालिए, बैंक में जमा करिए, बुढ़े बूढ़ियों को उनको कहते हैं वृद्धाश्रम, और घर में माँ नौजवान जो हैं वो चिंता कर रहे हैं अपने, तो वह बच्चों को किसके ऊपर छोड़ जाते हैं, नौकरानियों के ऊपर। वो नौकरानी क्या करती हैं, बच्चे का दूध खुद पी जाती हैं और बच्चे को ऐसे चीनी घोल के पिला दिया, बिस्कुट खुद खा जाती हैं, तो वहाँ तो और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है बच्चे को। लेकिन जो प्राचीन हमारे परिवार हैं वहाँ वो समस्या ही नहीं आती जो फ्रायड कहते हैं, तो फ्रायड की थ्योरी भारत पर लागू नहीं होती। इसी तरह से ओडिपस कम्प्लेक्स में है, इसमें भी यही है कि जब पिता आता है तो बच्चा भागता है, तो पिता भी बच्चे से उतना ही प्यार करता है जितना माँ करती है, बच्चे को राइवल नहीं लगता पिता, बच्चे को ये लगता है कि मुझे पिता का भी प्यार मिल रहा है, तो इसलिए वो मैनर सीख रहे, वो पिता जैसी भाषा बोलनी बिल्कुल शुरू करता है। कई बार तो लाइफ का स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल ऐसा बन जाता है, आप टेलीफोन पर बात करो, नंदलाल जी बोल रहे हैं, नहीं जी मैं नंदलाल जी का लड़का बोल रहा हूँ, तो बाप की शैली को कॉपी कर लेता है बच्चा, बोलने की शैली बाप से भाषा सीख लेता है, मैनर सीख लेता है। तो ये हमारे यहाँ ये फ्रायड की थ्योरी भारत में कहीं लागू नहीं होती, ओडिपस कम्प्लेक्स हमारे यहाँ लागू नहीं होता। तो यहाँ भी ये है कि जो पाश्चात्य प्रभाव से जो प्रभावित करें, नहीं आज भी बच्चा चाहे कैसे ही हो कि हमारे बच्चे को ये नहीं कहा गया कि ओडिपस कम्प्लेक्स में कि फादर तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि ये बताया गया कि फादर से ही तो तुम मैनर सीखोगे, फादर ही तो तुम्हें प्यार देगा, ख़ास तौर से सोशल प्रोटेक्शन जो मिलेगी वो फादर से मिलेगी। तो भारतीय संस्कृति में पर्सनैलिटी के लिए फादर सोशल प्रोटेक्टर है। अब भारतीय संस्कृति में जो पर्सनैलिटी बनती है उसके लिए हमारे पास समय नहीं रहा,
लेकिन हमारे यहाँ पर्सनैलिटी बनाने का कहा गया कि बच्चे का आधार सेक्स नहीं है, बच्चे का आधार 5 कोश हैं, सेक्स के आधार पर पर्सनैलिटी बनी नहीं सकती। 5 कोश हैं हमारे यहाँ, वो आधार हैं पर्सनैलिटी बनाने के। उन कोश की ट्रेनिंग करोगे बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी, उसमें अध्यात्म होगा। तो पहला कोश है हमारा, उसको कहा अन्नमय कोश। अन्न से हमारा फिजिकल शरीर बनता है, तो फिजिकल एजुकेशन बच्चे को शारीरिक एजुकेशन दे। पर्सनैलिटी बनानी है तो ये ओडिपस की बातें मत करो, सेक्स की बातें मत करो, बच्चे की शारीरिक और शरीर में भी, क्योंकि डिटेल में हम बात नहीं कर रहे, शरीर में ये चीज़ कह दी कि बच्चे की शारीरिक उसके लिए डेक्सटेरिटी, बच्चा मोटा हो जाए हमारा ये नहीं चाहिए हमें, बच्चा तकड़ा हो जाए, बच्चे के अंदर दक्षता हो, हाथों में दक्षता हो। और उसके लिए हमारे यहाँ उदाहरण दिया कि युद्ध में, बड़े बड़े युद्ध जो होते हैं उनके अंदर पतला घोड़ा युद्ध में जीत जाता है, मोटा भैंसा कभी युद्ध में नहीं जीतता। कभी कोई भैंसों पर लड़ने गया है कि भैंसा ले जा रहा हूँ मैं? तो शारीरिक शिक्षा के अंदर बच्चे के एक एक अंग में दक्षता है। 10 हमारी, 5 की हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ये 10ों इंद्रियों में दक्षता रहनी चाहिए, डेक्सटेरिटी रहनी चाहिए, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। जिस बच्चे के मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके जीवन में भी फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्टमेंट नहीं होगा। वो बच्चा एनवायरनमेंट में बदलेगा तो नए एडवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ अन्नमय कोश का पहले शिक्षा है, पर्सनैलिटी बनानी है तो फ्रायड की थ्योरी छोड़ दो सेक्स की, अन्नमय कोश को डेवलप करो। तो इसमें भी मैंने कहा कि हम डिटेल में नहीं बात करेंगे। अब ये अन्नमय कोश जो है, जब ये हमारा डेवलप हो जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा इसके ऊपर है प्राणमय कोश। हमारे शरीर को प्राण ही चला रहे हैं, 5 प्राण हैं जो शरीर को चलाते हैं। उदान वायु है, व्यान वायु है, समान वायु है, ये हमारी अपान वायु है, प्राण वायु है। ये हमारे शरीर को सारी शक्ति चला रहे हैं, ये सारे शरीर को शक्ति देने वाले प्राण वायु हैं। अगर ये प्राण हमारे कंट्रोल में है तो शरीर के सारे अंग हमारे बड़े दक्ष रहेंगे, शरीर में दक्षता रहेगी। मोटा हो बच्चा या ना होता, एक महिला ले गई थी वहाँ, गुरु जी मेरा बच्चा मोटा नहीं होता, तो उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा शास्त्री कहते हैं, उपनिषद जी कहते हैं कि मोटे भैंसे ने कभी युद्ध नहीं जीता, ये पतला घोड़ा तेरा जो है, पतला बच्चा, इसके बच्चों के अंदर प्राणों के इसके हाथ पैरों में दक्षता लिया, और ये बच्चा जो ही बड़ी ऊंची प्राप्ति कर लेगा सारा। तो ये दक्षता के लिए प्राण अपने जो है इन पर कंट्रोल करो। इन प्राणों में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्राण की शक्ति हमारी अधोगति हो गई, नीचे की तरफ चली गई, तो बच्चा सेक्स के क्राइम करेगा, सेक्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर ये ऊपर की तरफ हमने प्राण चला दिए, हमारे व्यान वायु, तो फिर बच्चा जो है कितनी बड़ी से बड़ी सेक्स एट्रैक्शन उसके सामने आ जाए, बच्चा कभी भी पतित नहीं होगा। तो प्राण वायु के लिए हमारे यहाँ प्राणायाम की बहुत सारी विधियाँ बताई गई हैं, इस पर भी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे क्योंकि समय हो गया आपका। लेकिन प्राणायाम हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी माना गया है। अब हमारे यहाँ फ्राइड वाली बात छोड़ दी कि जी उसकी मल साफ करने के लिए माँ आ रही है, यहाँ कोई मलोल की बात नहीं है। यहाँ अगर आपने उसका प्राण वायु ठीक कर दी उसकी, और अपान वायु जो नीचे वाली है वो उसको ठीक कर दी, तो समय पर मल त्याग करेगा, समय पर मूत्र त्याग करेगा, कहीं उसको किसी तरह की मलो, और वो अपने वीर्य पर पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो प्राण तत्व जो है हमारा, प्राण में कोश, उसे लाना है। अब इस प्राण में कोश के ऊपर ही आना है कि हमने शक्ति तो बहुत पैदा कर ली, लेकिन शक्ति तो राक्षसों में भी होती थी, दानवों में भी होती थी, नादिर शाह में भी होती थी। तो ये शक्ति हमारी जो है अच्छे कामों में लगे, इसके लिए मनोमय कोश हमारा है।
तीसरा कोष है मनोमय कोष, और उस मनोमय कोष को हमने करने के लिए अब बच्चा जो है स्कूल जाने लगा। मनोमय कोष को डेवलप करना टीचर का काम है। अच्छे विचार, इसमें भी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये करेंगे राधा कृष्णन की एक बात कह देंगे, लो थॉट मीन्स लोअरिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अगर आपके विचार नीच हैं, घटिया हैं आपके विचार, तो आपकी ज़िंदगी का स्तर ही लो हो जाएगा। आपके विचार घटिया हैं तो आप इस बात की भी चिंता नहीं करोगे मैं कपड़े कैसे पहन रहा हूँ, कैसे कर, और बात करने में मैं घटिया बातें कर रहा हूँ या अच्छी बातें कर रहा हूँ। खाना खाने में भी हो गया कि ठीक खाना खा रहा हूँ, जो उल्टा सीधा खाना खा लिया, तो जो विचार लो होंगे हमारे तो बिहेवियर बिल्कुल लो हो जाएगा हर क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ यह कहा गया कि मन को दृढ़ बनाना ये एजुकेशन का काम है। तो ये मन को ऊँचे विचार बनाना और मन में से बुरे शम और दम, शम का मतलब शमन करना, जो बुरे विचार हमारे मन में आ गए हैं उनको निकालने का काम भी टीचर करेगा। इसको कहते हैं हम संस्कार युक्त शिक्षा, पाश्चात्य में नहीं है, वहाँ फ्रायड की बात जो चलती है तो सब क्रिमिनली पैदा हो रहे हैं, यहाँ संस्कारवान लोग पैदा होंगे पर्सनैलिटी में। तो जब मन हम उनका शुद्ध कर देंगे, ऊंचे विचार कर देंगे, तो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। अब जब मनोमय कोष तक पहुँच गया बच्चा तो आगे वो जाएगा, बुद्धि रह गई मन की बात, तो ज्ञानमय कोष में पहुँचेगा बच्चा। ज्ञानमय कोष हमारा सबसे ऊपर है और ज्ञान हमेशा सत्य अनिवेशी होता है। तो बच्चा गणित में, विज्ञान में ऊंची ऊंची बातें, विज्ञान की सोचने का, वो सत्य का अन्वेषी बन जाएगा। उसके अंदर हायर नॉलेज इकट्ठा करने की और आत्मज्ञान इन सबसे ऊंचा है, उसको भी इकट्ठा करने की, इन सबसे भी ऊंचा कोई ज्ञान है। तो वो जब विज्ञान में कोष में पहुंचेगा बच्चा तो वो फिर हमेशा ऊंची बातें करेगा, सत्य की बातें करेगा, कभी नीची बात सोचेगा ही नहीं। और जब ये बात कर लेगा तो उसके अंदर पाँचवा कोष है आनंदमय कोष। जीवन में शांति नहीं मिल रही, जैसा मैंने बताया कि युंग ने लिखा है मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल। तो युंग जब भारत में आए तो उन्होंने यमुना के किनारे, वहाँ बनारस में थे वो, गंगा के किनारे खड़े थे युंग, तो उन्होंने देखा कि मजदूर जो हैं वो दिन भर मजदूरी करके, ईंटें धो करके और कुछ ऐसा करके, और उनकी औरतें भी खेत में कुछ के काट करके जवाईं, तो शाम को उन्होंने क्या काम किया कि ढपरी बजा कर और नाचने लगी। अब नाच रही हैं और वहाँ की भाषा जो है वो ब्रजभाषा, वो भोजपुरी भाषा है, तो भोजपुरी भाषा में गा रही हैं अपने, कैसे सपरी मनवा सपरी जिनके बिगड़ चलन वह कैसे सपरी। तो उसने कहा कि ये लोग, इनको भूखा खाना भी ठीक नहीं मिलता, झोंपड़ियों में रहते हैं ये, और काम दिन भर मेहनत करके आ रहे हैं, या नाच कैसे करें। तो उन्होंने बताया कि इनके पास एक चीज़ है, वो है सोल, शांति का गढ़ है इनके पास। ये उस सोल को आनंद करने के लिए जब नाच आते हैं तो नाच में आनंद विभोर हो जाते हैं। तो युग जब यहाँ से गए अमेरिका तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो बीमारी फैल रही है उसका नाम है नथिंग बट न्यूरोसिस। न्यूरोसिस माने चिंता की बीमारी, अवसाद की बीमारी। वहाँ इतने चिंताग्रस्त हैं आदमी, तो वो आकर के जब कहते हैं कि मेरे घर में धन की कमी नहीं है, मेरे घर में कार भी सबके पास, भाइयों के पास हैं, मेरा बंगला भी बहुत अच्छा है, बट जैसे ही बट कहते हैं तो कहते हैं बथिंग बट नथिंग, नथिंग बट की बीमारी बीमार। तो कहते हैं नथिंग बट का मतलब मुझे शांति, नींद नहीं आती रहती। तो युंग कहते हैं मैं इंडिया में सीख करके आया हूँ, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम ऐसे छोटे छोटे मरीजों पर मैं अपना टाइम, मैं तो बड़े मरीज देखता हूँ, तो मैं क्या कह देता हूँ, गो टू किलर जी, मंदिर में जाया करो, इस्कॉन के मंदिर हैं यहाँ, और मंदिर में जाकर के नाचा करो, गाया करो,
तो ये आपकी जो चिंता की बीमारी है दूर हो जाएगी और आपको अच्छी नींद आएगी। तो कहते 15 दिन बाद वो जब लौट करके आते हो, कहते मुझे तो बड़ा आराम मिल गया। ये है तो रिलीजन लौट करके आ रहा है। उस भौतिक जगत को आज इससे छुड़ाने के लिए चिंताग्रस्त और ऐसी चीज़ों से जो उनके जीवन में बेचैनी छा गई है, वो इसलिए छा गई है कि आत्मा खो दी उन्होंने। उस आत्मा को प्राप्त करने के जब वो जाते हैं और वहाँ जा कर के अब इन्होंने उसका नकली काम भी कर दिया है, या क्लब खोल दिए, डांस आउट योर वरीज, अपनी चिंताओं को नाच जारा द्वार करो, और वो नकली नाच हो रहे हैं तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। 200 रुपये महीना दे के मैं मेंबर बना डांसिंग क्लब का, और फिर भी मेरी चिंता दूर नहीं। वो डांसिंग क्लब वो है जहाँ भगवान का भजन हो रहा है मंदिर में, और वहाँ डांस हो रहा है, वो है नेचुरल डांस। तो जब नेचुरल डांस होगा और भगवान का होगा तो पर्सनैलिटी में दृढ़ता आ जाएगी। तो हमारे यहाँ फ्रायड की थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ना हमारे यहाँ नार्सिसिस है, ना हमारे यहाँ ओडिपस कम्प्लेक्स है, ना हमारे यहाँ फैलिक स्टेज है कि बच्चा अपनी जनन इंद्री से खेल रहा है, ना हमारे यहाँ और कुछ है। तो हमारे यहाँ ये पंच जो कोच हैं, जब इनको ट्रेनिंग करोगे, ये काम टीचर्स का है। हालांकि अरविंदो ने कहा है कि वो जो आनंदमय कोच है वो टीचर्स भी काम नहीं कर सकते, वो आनंदमय कोच तो ऋषियों का और धार्मिक लोगों का है, लेकिन टीचर भी वहाँ तक पहुँच सकता है। वो कहता है यहाँ विज्ञान में पहुँच तक तो शिक्षा पहुँचा देती है आदमी को, उसके बाद आदमी को कहना चाहिए अब आप रिलीजियस प्लेस में जाओ तो आपकी पर्सनैलिटी दृढ़ हो जाएगी। तो इसलिए आज हमने बहुत छोटा करके, हमने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि समय की सीमा बड़ी थोड़ी, तो डिटेल में अगर हो तो इसको आप पांचों कोषों के बारे में, विवेकानंद की शिक्षा, अरविंदो की शिक्षा, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ पता लग जाएगी कि आप अन्नमय कोष में, शारीरिक शिक्षा में, अंगों में दक्षता कैसे लाओगे, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको बड़े शॉर्ट में हमने पाश्चात्य और ख़ास तौर से मोटिवेशन का जो लॉ है जिसको मैस्लो ने स्वीकार करके और भारत का धन्यवाद किया, आई बो बिफोर द इंडियन साइकोलॉजिस्ट कि उन्होंने ईगो मोटिव दिया। ये ईगो मोटिव को बढ़ाना, जैसे मैंने कहा कि हमारे उन्होंने कहा टीचर्स इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर, किसी बच्चे को घटिया सोचने मत दो, उसका ईगो मोटिव जगाओ। बच्चा अगर बिल्कुल निराश भी हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो IAS करोगे, तुम क्यों घबरा रहे हो, 2 बार फेल हो गए, कोई बात नहीं। तो टीचर बड़ा मोटिवेटर है, ये मैस्लो ने मान लिया, और मैस्लो ने कह दिया कि टीचर के मुंह से कभी भी नेगेटिव वचन नहीं निकलेंगे, हमेशा मोटिवेशन करेगा वो। तो पाश्चात्य जगत आज हमारी भारतीय साइकोलॉजी से अपने आप को कंप्लीट करता जा रहा है। ये तो हम मानते हैं कि उनकी साइकोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो कमियां हैं वो हम पूरी करा रहे हैं। तो जो हमने जितना समय था उस समय की सीमा के अंदर जो कुछ भी कह सकते थे वो आपके सामने कहा, आपने उसको अच्छी तरह सुना, उसके लिए धन्यवाद।